मतेन वंदामि महाराज, गुरु वंदा इच्छामि खमासमनो वंदि ओम जामि जाय निसिहियाय मतेन वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदि ओम जामि जाय निसिहियाय मतेन वंदामि इच्छकार सुहराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वंदि ओम जामि जाय निसिहियाय मतेन वंदामि इच्छा करेना संधि सौ भगवान अबोच्योमि अभ्यंतर रायम खामेओ इच्छा खामेमि रायम जम किंचि अपत्यम परपत्यम भते पाणे विय विया वच्चे सलावी उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरीभाषाय जम किंचि मज हविणय परिहिनम सोहम अभैरम तुभ्ये जान अहम न जानेमि तस्सम इच्छामि दुक्खडम। साहेब जी सुख सातामा धर्मला धर्म इच्छामि खमासमनो वंदि ओम जावनि जाय निसिहियाय मतेन वंदामि इच्छा करेना संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छा इच्छामि खमासमनो वंदि ओम जावनि जाय निसिहियाय मतेन वंदामि इच्छा करेना भगवान इच्छा करेना संधि सौ भगवान वायना लेशु इच्छा इच्छामि खमासमनो वंदि ओम जावनि जाय मतेन वंदामि इच्छा करी भगवान पसाय करी वायना पसाय करावसो जी। नमो हरियंतानं नमो सिद्धानं नमायरियानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसाहुनं हे सुभंच नमो कारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं नमः। लाइव नहीं होगा ना। जय जगजीव जोनी जगनाम जगवंधो जय जगप्रिया महोभय जय सुयान भव तेथयाणमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीरं सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंकेश्वरं पुरुषं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतेन वंदामि आपके सुख साता मतेन वंदामि। आज की समरी हमने 26 जनवरी को इंद्रिय शव के बारे में समझा। पांचों इंद्रियों का ऑब्जेक्ट विषय इंद्रिया अंग क्रिया शुभ अशुभ आशव कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले महाराज साहब ने लिया ध्वनि। तीन ध्वनियां होती हैं सचित अचित मिश्र। इंद्रिया उसकी है श्रोतेंद्रिया, अंग उसका कान, क्रिया उसकी सुनना। फिर 5 वर्ण कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत। उसकी इंद्रिया है चक्षु इंद्रिया, अंग आंख से, क्रिया उसकी देखना। फिर 2 गंध सुगंध दुर्गंध, धारेंद्रिया नाक से सूंघना उसकी क्रिया। फिर 5 रस अमल खट्टा मधुर कटु कसाई तिक। इंद्रिया है रसेंद्रिया जीभ चखना। 8 स्पर्श, सित, उष, रुक्ष, स्नित, लधु, गुरु, मृदु, कर्कश। इंद्रिया है स्पर्शेंद्रिया, शरीर, स्पर्श। कर्मवग्ना के पुद्गल परमाणुओं का आत्मा में आना आश्रव है। वे जड़ है। वे पुद्गल परमाणु जड़ है, राग द्वेष के कारण आत्मा उन्हें खींचकर भीतर लाती है। वे कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं, वो बंद है। उससे पूर्व की आस्था आश्रव कहलाती है। श्रोतेंद्रिया के 3 विषय है, सचित शब्द, जीव की आवाज जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि के शब्द, अचित शब्द जड़ वस्तु की आवाज जैसे दरवाजा, मेज आदि, मिश्र शब्द जीव अजीव मिश्रित जैसे हारमोनियम बांसुरी आदि का शब्द। इसी प्रकार 5 इंद्रियों के 23 विषय में राग द्वेष करना जीव पर निर्भय है। इंद्रिया राग द्वेष नहीं करती, आत्मा का मोहिनी कर्म राग द्वेष करता है। इनमें राग द्वेष आना ही शुभ अशुभ आश्रव है। स्पर्शेंद्रिय वाले जीव अनंत गुना है। उसके अनंतवे भाग में जितने रसेंद्रिय वाले हैं, उसके अनंतवे भाग जितने दारेंद्रिय वाले हैं, उसके अनंतवे भाग जितने चक्षु इंद्रिय वाले हैं, उसके अनंतवे भाग जितने श्रोतेंद्रिय जीव है। 5 इंद्रिय मिलना अत्यंत सौभाग्य है, यानी कि मनुष्य जीवन। अब आगे महाराज साहब हमें आश्रव के बारे में पढ़ाएंगे। मथे नंदमी कृतज्ञ उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आश्रव शब्द का मीनिंग सबको समझ में आ गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर के 5 पहाड़ों से झरनों का, नदियों का बह करके तालाब में आना या डैम भरना, ठीक उसी तरह से आत्मा भी अपनी तरह से इन कार्मिक एटम्स को ग्रहण करता है, खींच कर लेता है। अब वो रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से आ रहे हैं, किस कारण आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, तो उसका रास्ता बता दिया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 5 इंद्रियों का उपयोग, या तो आप शुभ भी कर सकते हो या अशुभ भी कर सकते हो। अब आप शुभ तरीके से करोगे तो उसके अंदर जो है जो भी आश्रव होगा वो पुण्य उपार्जन कराएगा। पुण्य शब्द का सीधा तात्पर्य है कि शुभ कर्म आपका बनेगा। विषय आपने लिया है 5 इंद्रियों का। अब उससे जिस तरह से भी होगा तो वो भी तो कर्म बन जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने अपनी तरह से अशुभ उपयोग किया है तो उसके कारण जिसको हम पाप कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अशुभ आश्रव हो जाएगा। तो अशुभ आश्रव होने पर अब जो है वो अशुभ कर्म का ही बंध होने वाला। अब अशुभ कर्म का बंध होगा, अब उसी हिसाब से कर्म बंधेंगे सब। अब आप चाहे 5 इंद्रियों का उपयोग तो कर रहे हो। अब 5 इंद्रियों का उपयोग शुभ उद्देश्य से कर रहे हो कि अशुभ से कर रहे हो, अच्छे रूप से कर रहे हो कि खराब रूप से कर रहे हो। अब इंद्रियां तो इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों का तो कोई दोष नहीं है। ये तो जड़ पुद्गल के बने हुए शरीर के अंग हैं, इनका क्या दोष है? उपयोग करना तो आपको है। अब उपयोग करते समय आप देख लो आप किस उद्देश्य से कर रहे हो, कैसे उद्देश्य से कर रहे हो। तो उस समय आपका शुभ उद्देश्य अच्छा है तो जरूर शुभ पुण्य उपार्जन हो। आप अशुभ उद्देश्य से कर रहे हो, अशुभ कर्म का बंध होगा। एक व्यक्ति इन्हीं आंखों से किसी के ऊपर करुणा भी दिखा सकता है, दया भी दिखा सकता है, और वही व्यक्ति आंखें निकालकर किसी को अपना रौद्र रूप भी तो दिखा सकता है। क्रोध भी तो आप आंखों से दिखा सकते हो। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम शुभ उपयोग कर रहे हैं कि अशुभ उपयोग कर रहे हैं। ये हमको देखना है अपनी तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? देखिए आश्रम में तो क्या होने वाला है, बाहर से कार्मिक वर्गणा के कुंडल परमाणु खींच करके आत्मा में आने। अब लेने वाला आत्मा ही है, खींचने वाला आत्मा ही है। अब उसको सोचना है कि मैं क्या लूं क्या ना लूं, मैं किस तरीके से इंद्रियों का उपयोग करूं कि ना करूं, कैसा उपयोग करूं, सही उपयोग करूं, दुरुपयोग करूं, वो उस पर निर्भर कर रहा है। इसलिए अब आप ये समझ गए कि आखिर जो पांचों इंद्रियों का उपयोग हम कर रहे हैं, अब इन पांचों इंद्रियों का उपयोग पांचों इंद्रियों का जो उपयोग कर रहे हो, अब ये क्या आप शुभ कर रहे हो या क्या फिर आप जो है अशुभ कर रहे हो? आखिर इंद्रियों का दोष नहीं है, इंद्रियों के अंदर तो चेतन आत्मा ही है ना, करना तो आत्मा को ही करना है साहब। अब आत्मा जब कर रही है तो उसको ये देखना है कि मैं उपयोग क्या करूं साहब। देखिए आप भी जानते हैं पांचों इंद्रियों से, अब आज की तारीख में तो बोलना तो नहीं चाहिए सब, अब इंटरनेट तो हर घर घर में है, अब यही इंटरनेट मोबाइल के अंदर सबके जेब में है। अब क्या देखना क्या नहीं देखना, कैसा देखना कैसा नहीं देखना, कितना देखना कितना नहीं देखना, किस प्रकार का देखना किस प्रकार का नहीं देखना, अब ये विवेक तो आत्मा को चाहिए ना। लेकिन अब सबके पास तो ये विवेक कहाँ है? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, युवक हैं, अभी परिपक्व नहीं है, बुद्धि भी परिपक्व नहीं है। अब वो देख रहे हैं, न देखने का बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो क्या होगा उनके अंदर? ये अशुभ आश्रव होगा। तो जब अशुभ आश्रव होगा तो ऐसे जीवों को अब जो कर्म बंद होने वाला है वो इंद्रियों का अशुभ उपयोग करके अब ये कार्बन वर्गणा के भूतल परमाणु जो है अब वो खींच के लाए। अब ये पांचों इंद्रियों का उपयोग है और पांचों इंद्रियों का उपयोग करके लाए। अब ये यहाँ पर अशुभ कर्मों का बंद हो गया। करना तो क्या करना, दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही प्रकार है। अब ये को समझने वाले को ही विवेक रखना है कि मैं करूं कि ना करूं, अब करूं तो क्या करूं। ये भी एक जीव है और ये अपने इन पांचों इंद्रियों का उपयोग तो कर ही रहा है। अब ये जीव जो है और ये भी अपने अंदर, ये इसके पास भी अपने पांचों इंद्रियां हैं। अब ये इससे जो भी उपयोग कर रहा है, जैसा उपयोग अब ये कर रहा है, इसके अंदर अशुभ उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, नहीं देखने का देख रहा है, नहीं सुनने का सुन रहा है, नहीं सुनने का सुन रहा है, नहीं खाने का खा रहा है, नहीं स्पर्श करने का कर रहा है। अब ये जो कर्म बंद हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है? पहला विभाग जो है ये आश्रव हो रहा है। ये आश्रव के अंदर जो कार्बन वर्गणा के उद्गल परमाणु आ रहे हैं, ये अंदर आना है। अब ये जो जिस प्रकार से जैसे आ रहे आया तो आश्रव ही अशुभ हुआ है। तो ये हो गया अशुभ आश्रव। अब ये अशुभ आश्रव हुआ तो यहाँ आकर के अब वो आत्मा के घर में जो है वो अशुभ कर्म बंध कराएगा। ये अशुभ कर्म बंध कर रहा है। अब इधर ठीक इसी तरह से अब ये दूसरा भी कोई साधक है, अब ये भी जो है अशुभ आश्रम जो हो रहा है इसको अशुभ आश्रम जिस तरह से हो रहा है, अब ये अपनी तरफ से जिस प्रकार के जैसा कर्म बांधेगा। अब यहाँ पर ये कहा है कि ये शुभ कक्षा का, अब ये किस तरह से कैसे शुभ कक्षा का कर रहा है। अब ये शुभ आश्रम जो भी कर रहा है तो ये कैसा शुभ आश्रम कर रहा है, ये शुभ आश्रम किस तरीके से किससे हो रहा है, अब किस तरह से किसके माध्यम से हो रहा है। अब इसको जो आश्रम होना है जिस प्रकार का, तो ये भी अपनी तरह से कर्म तो बांध रहा है। अब ये कर्म बांध रहा है लेकिन इसको जो है शुभ कर्म, ये फर्क है इतना सा। अब ये आप देख रहे हो कि शुभ कर्म इसको अशुभ कर्म का बंध हो रहा है। अब जब ये उदय में आएगा सब, अभी देखिए आप सब लोग जो है क्लास में बैठे हैं, आप अपनी तरह से देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, देखने में आपकी आँख काम कर रही है। अभी अशुभ आपका बंध है, अभी आपका शुभ पुण्य हो रहा है, शुभ पुण्य उपार्जन करते शुभ कर्म बांधते हैं। अभी इधर जो है आप जो है श्रवण भी कर रहे हो सुन भी तो रहे हो, आंख का उपयोग देखने में हो रहा है, कान का उपयोग सुनने में हो रहा है। तो अब जो निरंतर हो रहा है तो ये हमारे लिए अभी इस समय यहाँ पर ये शुभ हो रहा है। अभी घंटे दो घंटे क्लास समाप्त तो हो जाएगी, फिर वापिस आप टीवी पर बैठ करके कोई डांस देखने लग गए, क्या कंधा देखने लग गए, नहीं देखने जैसा देखने लग गए, तो क्या परिणाम आएगा, फिर अशुभ आश्रम होकर के कर्म का बंध हो जाए। अब जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट मंदिर में रहते हो तो आपकी पांचों इंद्रियां वहीं पर काम कर रही है, भगवान को देख रहे हो, मंदिर को देख रहे हो, परमात्मा के दर्शन कर रहे हो, जिन भक्ति कर रहे हो, स्तवना कर रहे हो, गुणगान गा रहे हो, आपको जिस तरह से भी कर रहे हो तो उस समय आपका शुभ आश्रय भी होगा। आप चाहे तो निद्रा करिए, आप चाहे तो कर्म क्षय करिए, आप चाहे तो शुभ पुण्य उपार्जन करिए। और इधर अगर जैसे ही हमारा मंदिर से बाहर निकलना हुआ और फिर वापस बाहर गए, दूसरे आयोजन में कार्यों में गए, तो फिर वापस वही होगा, फिर वापस अशुभ आश्रम शुरू हुआ, फिर कर्म बंध शुरू हुआ, फिर कर्म बंध शुरू हुआ, तो फिर कर्म करते जाएंगे साहब। अब बचेंगे कैसे, रुकेंगे कैसे, सवाल ये आ रहा है हर एक जीव के लिए, हर जीव के लिए। एक डॉग को भी देखो ना, गेट पर बंधा हुआ है डॉग, अगर वो किसी को देख रहा है देखते ही भौं 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 करना, चिल्लाने लग जाना, लेकिन वो अपने मालिक को देखेगा तो भौं भौं नहीं करेगा, अपने ही मालिक को देखेगा तो बड़े प्यार से उनके। तो एक डॉग है वो भी संघनी पंचेंद्रिय प्राणी है, उसको भी शुभ अशुभ, शुभ अशुभ कर्म का बंध, अशुभ कर्म ये पाप का है। हमारी भाषा में हम अशुभ बोल रहे हैं, व्यवहार की भाषा में ये पाप हो गया सब, इधर इसको हमने पुण्य का नाम दे दिया है, तो ये पुण्य का काम कर रहा है। एक व्यक्ति तीर्थ साथ में तीर्थ क्षेत्र में जाता है और एक व्यक्ति जो है वो अपनी तरह से टूरिज्म के अंदर कहीं घूमने फिरने जाकर दुनिया भर का देख रहा है, घूम रहा है, दोनों में फर्क तो है ना, स्थान तो बदल गए। अब स्थान बदल गए तो लोगों की दृष्टि वृत्ति बदल गई कि नहीं बदल गई, उस हिसाब से जो भी जीव है तो क्या कर रहे हैं, what type of the nature, what type of the intention, what type of the angle there। तो ये निश्चित रूप से आप समझिए कि जो जिस उद्देश्य से कर रहा है। अब हमने तो दोनों विभाग कर लिए, अब जीवों के पास तो दोनों ही प्रक्रिया है सब। पांचों इंद्रिया मैंने क्या कहा है, इंद्रिया, मंगल परमाणु के बने हुए जड़ है, इंद्रियों के पीछे चेतन आत्मा है। अब उसी को करना है साहब, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा साहब। तो अब आत्मा को अपना विवेक रखना है कि मैं नहीं देखने जैसा न देखूं, आंखें बंद कर लूं। हमको तो दशवैकालिक आगम में शास्त्रों के अंदर साधु संतों के लिए तो नियम बना दिए हैं साहब, जहां नहीं देखने जैसा है वहां बिल्कुल आंख बंद कर लो। कैसे दृष्टांत देकर समझाए, जैसे दोपहर के 12 बजे आप आकाश में देखे तो सूर्य के सामने देख नहीं पाते, आंखें बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह से साधु जीवन है, भिक्षा के लिए जा रहे हैं, घर घर में गोत्री के लिए जा रहे हैं। अब सबके घर अपने अपने हिसाब से अलग अलग बने हुए, हमको नहीं देखना है, इधर उधर देखना नहीं है। और जिसने माता जी ने जो आहार पानी बना करके दान में दे दिया, गोत्री में ला करके अपना आहार पानी कर लिया, बात पूरी हो गई। तो अब ये साधु जीवन है, लेकिन क्या सबकी मनोवृत्ति इस प्रकार की रहेगी? सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति में, सब अपनी अपनी इच्छा से चल रहे हैं सब। कम से कम देखिए, इंद्रियां तो जड़ साधन है, इन इंद्रियों से हम नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं इंद्रियों से हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं साहब। अब ये तो दोनों ही तरीके हैं, तो करें तो कैसे करें? तो एंटरटेनमेंट में तो भाई आप जानते हो कितने तरीके हैं साहब, हर प्रकार के तरीके हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं। अब उसमें आपको ये देखना है कि मैं अच्छे तरीके से जरूर चलूं, लेकिन गलत तरीके से तो ना चलूं। तो मुझे पांचों इंद्रियों का गलत उपयोग नहीं करना है, बस इतने से आप बच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये शुभ का विभाग जरूर है। अब शुभ के विभाग के अंदर हमको इंद्रियों को सतत रखना है। अब आप जैसे समझ रहे हो, हमने अभी यहाँ इंद्रियों का विभाग लिया, उसी तरह से ये प्रक्रिया जो चल रही है, तो इनके अंदर आपको क्या समझना है साहब? ये इंद्रियों के अंदर आप समझिए, सबसे पहले जो है ये पांच घोड़े हैं साहब, और इन पांच घोड़ों के पीछे जो है ये हमारा जो है ये मन है, और इनके पीछे जो है ये आत्मा है। अब कैसे हैं ऑब्जेक्ट जो भी बाहर हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर से आएंगे साहब। अब वो जिस तरह से बाहर से आकर के यहाँ से ये मन के माध्यम से अंदर जाएंगे, अब इधर से आकर के फिर आत्मा में आएंगे साहब। अब ये आप क्या देख रहे हो, ये आश्रव की प्रक्रिया भी है, बंध की प्रक्रिया भी यही है। आप दोनों के अंदर देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा, यहाँ पर पांचों इंद्रियां हैं। अब ये पांचों इंद्रियां जिस प्रकार से उनके पीछे मन लगा हुआ है, अब पंचेंद्रिय जीव है तो मन लगा है। अब यहाँ पर जो है ये अब माध्यम बन गया, तो जो आएंगे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो आत्मा में ही आने वाले, क्योंकि यहाँ आएंगे तब आत्मा के साथ कर्म का बंध होगा। अब आप ध्यान दीजिए साहब, इधर जो है न तो मन को कोई कर्म बंध हो रहा है, न इंद्रियों को कोई कर्म बंध हो रहा है। मन भी तो जड़ है, इंद्रियां भी तो जड़ है, मन को कोई कर्म बंध होना नहीं है, इंद्रियों को कोई कर्म बंध होना ही नहीं है साहब, सीधे आत्मा को ही होना है। कर्म आत्मा में ये कहा है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब इंद्रियों के माध्यम से खींचे आ रहे हैं, खींचे आ रहे हैं, खींचे आ रहे हैं, और यहाँ से ये मन जो है बीच में, फिर वो विचारों के साथ में जुड़ जाता है और वहां से फिल्टर होकर के अब सीधे आत्मा में आ गए। यहाँ आकर के ये कर्म का बंध हो गया। अब इस कर्म के बंध के अंदर जब आप प्रक्रिया देखेंगे, अब आपको पता चलेगा ये शुभ है लेकिन ये अशुभ है, ये अशुभ है, ये अशुभ है और ये शुभ है। अब ये शुभ है, ये इतने अशुभ है। अब जिस तरह से इंद्रियों का उपयोग हमने जैसा किया है, तो अब आपको ख्याल आ जाएगा कि मैंने मैक्सिमम ज्यादा उपयोग इंद्रियों का अशुभ तरीके से किया है कि शुभ तरीके से किया है। अब जितना हमने अशुभ तरीके से किया है तो अशुभ कर्म बन गए, इतना हमने इधर शुभ तरीके से किया है तो शुभ कर्म बन गए। सब दोनों ही आप समझ गए, समझे कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? आटा गेहूं का है, आपने गेहूं का आटा लिया, अब उसमें घी गुड़ मिलाकर के आपने हलवा शीरा बनाया, या उसमें आपने सोडा भाई कार्ब और नमक डाल करके उसको खारा बनाया। अब ये तो आपकी इच्छा पर था, आपकी मर्जी पर है। आप चाहे तो गलत खारा बनाइए, आप चाहे तो अच्छा मीठा बनाइए, दोनों आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। बात इतनी सी है। अब ये हमको समझना चाहिए साहब, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। तो महावीर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपको बहुत साफ बता रहे हैं ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हो, अब ये तो प्रक्रिया है। आपको ख्याल आ जाएगा कि हम तो इसमें ये जो कर रहे हैं आश्रव कर रहे हैं, क्रिया आश्रव की चल रही है, प्रक्रिया पूरी आश्रव की है। तो यहाँ से हम जो है बिल्कुल समझ जाएंगे कि जब आश्रव की क्रिया चल रही है, अब शुभ अशुभ करना ये अपने आत्मा पर है। आत्मा में इतना विवेक चाहिए साहब। अब विवेक किसको बोलते हैं आप? इसके अंदर अब आत्मा का विवेक किसका है? अब उसके पहले आत्मा को अपनी तरफ से अब अपना ज्ञान जो है, अब ये आत्मा का ज्ञान जो है यहाँ से, अब इस ज्ञान और दर्शन इन दो में से इसको देखना है। अब इन दोनों में से मिला करके अब वो जो है कितना विवेक रख पा रही है। तो जो विवेक इसको रखना है, अब ये विवेक आत्मा रखे, अब मन का उपयोग करे, अब इंद्रियों का उपयोग करे। तो जब विवेक आ जाएगा, अब मन का उपयोग जब होगा, तब आप विवेक से सही निर्णय कर पाओगे साहब, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आज के जमाने में बच्चे छोटे हैं, अभी उनका विवेक तो इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल तो पकड़ा दिया, इंटरनेट उसके जेब में आ गया सब। अब इसका परिणाम क्या आएगा आप देख ही रहे हो, पूरी दुनिया में देख रहे हो। अब ये इंटरनेट के जमाने में इतना कर दिया कि बस पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई सब। तो इसका परिणाम अच्छा आएगा, खराब आएगा, शुभ आएगा, अशुभ आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, आज देख रहे हो। वीडियो गेम खेलने वाले 9, 10, 12, 13 बरस के बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं, देख रहे हैं। इधर जमाना क्या आया, हम दो और हमारा एक ही, हम दो और हमारे दो ही, एक बेटा एक बेटी या एक ही बेटा, और वो 10-12 बरस की उम्र में अपना विवेक तो है नहीं। माँ बाप ने अपनी लग्जरियस लाइफ, अच्छा शुभ पुण्य प्रकृति उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब वो बेचारे वीडियो गेम करते 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 बहुत खतरनाक खेल कर रहे हैं सब। अब इसके ऊपर आकर के उनका सुसाइड हो रहे हैं। अब एक ही बच्चा था, अब 12-13 बरस की उम्र में सुसाइड कर लिया वीडियो गेम से। अब माँ बाप को रोना ही रोना है, पूरी जिंदगी भर रोना है, क्या करना? अब इसका कोई रास्ता क्या है? तो आप हर माँ बाप को समझना चाहिए ना। अब पहले ऑलरेडी टीवी था, टीवी के बाद में जो है इंटरनेट आ गया, अब मोबाइल आ गए, अब 5G आ जाएगा, 6G आ जाएगा, अब क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम, सोचिए आप, समझिए क्या परिस्थिति निर्माण होगी। अब विवेक कहाँ से लाना, इतना विवेक का ज्ञान हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अब ये सबको समझना है, सबको समझना है। महावीर ने तो साफ कह दिया, देखो आप इंद्रियां आपके पास है, अब आप शुभ उपयोग कर रहे हो कि अशुभ कर रहे हो। इधर आपको देखना है कि अब जो है ये पांचों इंद्रियां है ना, अब इसमें से हमने एक पांचवी इंद्रिय ये निकाल ली था, तो जैसे ही पांचवी इंद्रिय निकल गई तो मन भी निकल गया सब। अब सिर्फ इंद्रियां है सब, चार इंद्रियां, एक ये पहली इंद्रिय है, दूसरी इंद्रिय है, तीसरी है, चौथी है। अब मन नहीं है तो डायरेक्ट जो है सीधे ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के सीधी आत्मा में जा रहे हैं सब। बोलिए साहब इलेवन जी, आप यहाँ पर मन का न होना अच्छा है कि मन का होना ज्यादा अच्छा है? मतलब मन का होना अच्छा है ताकि विवेक से अपन अशुभ शुभ कर्म का सोच के आगे बढ़े। विवेक मन में है क्या? नहीं, पहले विवेक को समझ लीजिए। विवेक विवेक आत्मा के ज्ञान दर्शन में है। मन तो जो है वो भी इंद्रिय जड़ पुद्गल परमाणु से, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है। मन भी तो एक साधन ही है ना, आखिर मन भी है तो क्या है, बस बात इतनी सी है। तो विवेक तो करना है ज्ञान दर्शन से। अब इसीलिए तो कहा गया हर माँ बाप को ये देखना है कि बच्चों को संस्कार अच्छे दें, बच्चों की समझ अच्छी डेवलप करें, उनका विवेक डेवलप करें। विवेक का मतलब क्या है? अच्छे बुरे का निर्णय कर सके तो विवेक है ना। अगर वो अच्छे बुरे का, अच्छे खराब का निर्णय नहीं कर सकता है तो उसके पास विवेक कैसे बताएंगे आप। अब आजकल तो मोबाइल हाथ में है, आप इंटरनेट खोलो, कोई कंपनी अच्छा डाल रही है, कंपनी खराब डाल रही है। एक चीज पढ़ रहे हो, देख रहे हो तो उसमें वो दूसरे ही कुछ भेज देते हैं। और छोटा सा बच्चा अब यंग है, यंगस्टर है, तो क्यूरियोसिटी तो पड़ी है ना माइंड में। अब इतना इजी कर दिया सब कुछ, इतना इजी हो गया कि एक देखते हुए 10 एडवर्टाइज आ जाएगी बीच में। अब वो बेचारा नहीं समझेगा तो लुभावनी ग्लैमरस एडवर्टाइज के अंदर वो सीधे उसको खोलेगा, देखने लगेगा, तो कंपनी वाले पकड़ के खींचेंगे उसको साथ। इतना लुभाएंगे, ऐसा लुभाएंगे, इतना लुभाएंगे, ऐसा लुभाएंगे, अब वो उसमें से बाहर निकल ही नहीं सके सब। आज परिणाम यही तो आ रहा है। ये दुनिया का विकास है कि दुनिया विनाश की दिशा में जा रही है? नरेंद्र जी क्या लग रहा है आपको? दुनिया विनाश की दिशा में जा रही है, बिल्कुल। आप सोचिए समझे कि नहीं, विकास कितने प्रतिशत होता होगा, लेकिन विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान ने माध्यम साधनों का विकास किया, लेकिन लगता ऐसा है कि 70% 60% दुनिया विनाश की दिशा में जा रही है। कितना भारी विनाश, कैसा विनाश होगा। जब ये साधन इतने बड़े हैं, इन साधनों का सदुपयोग तो करो। सदुपयोग करके हम इन्हीं साधनों से अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं होता ऐसी बात तो नहीं है ना, हम इनसे अच्छा, सुंदर, काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोग अगर ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अगर गलत दिशा में जा करके वो जो है अपनी तरफ से गलत दिशा में दुरुपयोग करेंगे तो फिर विवेक वहां उनका कल्याण नहीं करेगा, फिर गलत हो जाएगा, फिर तो और भी विपरीत हो जाएगा। तो ये आश्रम जब होगा, और आश्रव ऐसा शुभ के बजाय अशुभ हो जाएगा, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, सोचिए। इसलिए विवेक देना, हर माँ बाप जन्म देने के बाद बच्चों को विवेक देते थे, संस्कार देते थे। अब आज समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि 2-2.5 बरस के बच्चों को तो माँ बाप स्कूल में भेजते थे, तो माँ बाप के संस्कार भी मिलने दुर्लभ हो गए। ये बड़ी समस्या है। अब माँ बाप के संस्कार भी नहीं मिलेंगे, 2-2.5 बरस का बच्चा स्कूल में चला गया, अब वहां तो शिक्षा मिलेगी साहब। अब वो वहां जाकर सीधे ABCD उसको घुटाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। जो माँ बाप से संस्कार मिलने थे वो तो बंद हो गए ना, वो रास्ता ही बंद हो गया। अब हम लोग भी विहार कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं, हर माँ बाप कह रहे हैं महाराज साहब ये ऐसा कलयुग आ गया, अब बच्चों को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और बच्चे अब 12-15 साल की उम्र के हो गए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आपके यहाँ से अमेरिका से भी लोग बोल रहे हैं साहब, 18 साल का होने के बाद तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं साहब। अब तो जो है 8-10 बरस के बच्चे को माँ बाप एक थप्पड़ भी नहीं लगा सकते, ये परिस्थिति आ गई है साहब। ऐसी परिस्थिति के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अविवेकी जीवन जब जीने लग जाएंगे लोग, विवेक शून्य बन जाएंगे, अविवेकी जीवन जिएंगे, तब परिस्थिति क्या होगी साहब। और इन पांचों इंद्रियों से तो यहाँ नियम क्या है ये आपने थोड़ा सा देख लिया। यहाँ पर नियम क्या है कि यहाँ जब 4 ही इंद्रियां रहती है तब तो जीव जो है बिना मन के होते हैं, उनको कहते हैं असंज्ञी। हालांकि 5वीं इंद्रिय आ भी जाए समझे, फिर भी असंज्ञी जीव भी बहुत है। तो वो मन नहीं है लेकिन इंद्रियां तो है ना। तो यहाँ पर यही तो बात आ रही है, इंद्रियां भी आश्रव करा रही है। आश्रव का मतलब है बाहर से कार्बन वर्गणा के पुतगल परमाणु खींच करके आत्मा में लाना। अब ये इंद्रियां काम कर रही है। आपने अपने हाउस के अंदर घर में खिड़की विंडो दरवाजे जो बनाए हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर की धूल मिट्टी अंदर आ रही है ना। खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दिए तो बाहर की धूल मिट्टी अंदर आ रही है, घर के अंदर आ रही है, तो आपके कपड़ों पर चिपक रही है, कपड़े गंदे हो रहे, पैर चल रहे तो पैर खराब हो रहे। तो ये क्या है, जब वो बाहर की डस्ट आ रही है खिड़की से, तो इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से कार्मिक एटम्स वो खींचे हुए आत्मा में आ रहे हैं, और वो आत्मा में आ रहे हैं तो ये यहाँ पर अब इसके कर्म बंध हो रहे हैं। कर्म बंध होने की पहली प्रक्रिया, फर्स्ट स्टेप जो है वो है आश्रव। बाद में बंध होगा ना, पहले तो आश्रव होगा उसके बाद जाकर के बंध होगा। तो आश्रव मार्ग के अंदर तो ये बाहर से आ रहे खींच खींच के अंदर तो आ ही रही है। अब जो खींचे हुए अंदर आ रही है तो आत्मा के साथ चिपकनी है, आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपकेगी, वो बंद हो जाएगा। तो ये आना जो है, आने की प्रक्रिया जो है, इसको आप समझ लीजिए। बस ये है आश्रव का दरवाजा। अब आश्रव द्वार के अंदर ये जो आ रही है तो ये अपने आप को नहीं आ रही है, ये कार्बन वर्णा के परमाणु है। अभी जड़ पुतगल परमाणु अपने आप नहीं आ रहे, आत्मा खींच के ला रही, होकर के ये खींच के ला रही। ऐसी स्थिति के अंदर ये जब आती जाएगी, आत्मा में आती जाएगी आती जाएगी, ये कार्बन वर्गणा के पुतगल परमाणु। आखिर मैंने बताया आपको कि भी बिना आटे के तो रोटी नहीं बनेगी, आटा तो लेना ही पड़ेगा डब्बे में से। आप डिब्बे में से आटा लिया, अब वो आपने कितना लिया, 1 किलो लिया। अब 1 किलो के आटे में उसके पार्टिकल्स कितने हैं आप गिन पाएंगे? आपको एक निडल दी जाए और एक निडल से एक एक करके एक पार्टिकल्स को आप गिनना शुरू करिए, गिनने लगिए, नहीं होगा, गिन भी नहीं पाओगे। 1 किलो आटे के अंदर कितने पार्टिकल्स है, उसके एटम्स कितने हैं, वही यहाँ पर है। ये कार्मिक एटम्स हम ले रहे हैं, गस खींच ले रहे हैं, अब वो हम रोक गिन तो नहीं पाएंगे। तो कार्बन वर्गणा के अंदर परमाणु तो अनंत है, अब वो अनंत ही आएंगे। तो कर्म बंध तो होना है, आश्रम तो होना ही होना है। ये हम इंद्रियों के माध्यम से अंदर ले रहे हैं, जितना इंद्रियों के माध्यम से अंदर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आने के अंदर अब आप जो है वो बाहर से कुछ ऐसा करिए। ये आने के पहले यहाँ पर जो है ये आप फिल्टर लगा दीजिए साहब। अब ये फिल्टर किसका है, आपकी भाषा में फिल्टर है, यहाँ की भाषा में ये विवेक है। अब ये विवेक ज्ञान दर्शन का है साहब। आपने जो फिल्टर जैसा लगाया तो अब ये कार्बन वर्गणा के पुतगल परमाणु जो है वो कैसे आए, इंद्रियों के अंदर विवेक नहीं है साहब, ध्यान रखना। विवेक इंद्रियों का विषय नहीं है, विवेक आत्मा के ज्ञान दर्शन का विषय है। कोई इंद्रियां विवेक रखने वाली नहीं है साहब, कोई मन विवेक रखने वाला नहीं है। जैसे इंद्रियां पे औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु के बने हुए अंग है, वैसे ही मन भी बना हुआ मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो उसको क्या लेना देना है साहब, वो थोड़ी विवेक कर रहा है साहब। तो विवेक किसको करना है ये आप देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ध्यान दे करके समझ ही रहे हैं। तो अब ये आपने देखा ये तो आत्मा है और ये है पांचों इंद्रियां, लेकिन हमारे ये पीछे जो है मन तो यहाँ पर है। अब मन में तो कोई ज्ञान दर्शन होता ही नहीं है साहब, सवाल ही नहीं है। मन तो जड़ पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है, और ये तो जो है ब्रेन का भाग है। अब यहाँ पर ये जो है ज्ञान दर्शन, जो आत्मा में जितने प्रमाण में जैसा है, तो ये इसके साथ जो है अब ये दर्शन है और ये ज्ञान। अब ज्ञान के अंदर आपका विवेक है। यहाँ अगर आपने इस ज्ञान में, अब वो विवेक किसका है, श्रुत ज्ञान का है। श्रुत ज्ञान आपके अंदर कितने प्रमाण में है, अब उस श्रुत ज्ञान से आपका विवेक काम करेगा। ये हो गया श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान आपका कम है कि ज्यादा है, श्रुत ज्ञान वर्णीय कर्म आपका कम है कि ज्यादा है। लेकिन अब वो भले आपका कम ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब ये आपका जो है मोहनीय कर्म इतना भारी है, मोहनीय कर्म इतना ज्यादा होने के कारण, अब जब मोहनीय कर्म सामने उदय में आएगा तो ये जाकर के श्रुत ज्ञान के ऊपर भी अपना अड्डा जमा लेगा। ये जाकर के इंद्रियों पर भी, पांचों इंद्रियों पर भी ये अपनी तरफ से अधिकार जमा लेगा। तो ये क्या करेगा मोहनीय कर्म, इसके घर में तो यहाँ पर आपके पास राग द्वेष ही है। तो ये आकर के यहाँ से ये इंद्रियों का फंक्शन कर रही है दर्शना वर्णीय कर्म। तो ये आकर के अपनी तरफ से इंद्रियों के विषय पर अधिकार जमा लेगा। अब क्या करेगा सब, ये कर्म जब मोहनीय कर्म आके अधिकार जमाएगा तो इंद्रियों से जब जिसको देख रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना है, रास्ते में चलते हुए मंदिर आ गया, नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन सामने आकर होटल आ गई, हाँ मुझे ये खाना है, हाँ मुझे ये खाना है। अरे भाई अभी पहले 2 मिनट पहले रास्ते में मंदिर आया, तब तो आपने ना बोल लिया वहां नहीं जाना है मुझे, और होटल आई तो बाहर आप क्यों तैयार हो गए, नहीं मुझे तो ये खाना है, नहीं अभी लेकिन घर से भोजन करके तो निकले हो, क्या कर रहे हो, क्यों फिर खाने जा रहे हो। लेकिन अब करना क्या भाई साहब, बड़ी समस्या है। अब वो जो है मंदिर नहीं जाएगा, होटल जरूर जाएगा, रास्ते पर खाएगा, स्ट्रीट फूड है रास्ते पर दिख रहा है वो खाएगा। और व्यापारी तो आप जानते ही हो ना, जो दिखेगा वही तो बिकेगा, जो दिखाई देगा दिखता रहेगा वही बिकेगा। हर व्यक्ति अपने खाने पीने की चीजों को इतना सजा करके लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग तुरंत खाने के लिए आए। अब महिलाओं के ड्रेस, आभूषण, दागिने जो भी रखेंगे वो सजाएंगे, बाहर दिखाएंगे लोगों को, हर रास्ते चलने वाला दिखाए देखता रहे तो तुरंत दुकान में घुस आएंगे साहब। ये परिस्थिति होने वाली है। लेकिन अब वो हमारे राग द्वेष का लोग फायदा उठा रहे हैं साहब। अब 99% लोगों के इंद्रियों के ऊपर ये जो राग द्वेष मोहनीय कर्म का है वो ऊपर आकर के अपना अधिकार जमा लेता है साहब। जैसे इंद्रियां तो आपकी है ही है, आंखें तो आपकी है, देख रहे हो, और उसके ऊपर चश्मे भी लगे हुए हैं साहब। कोई नार तो नहीं है, लेकिन उन चश्मे के ऊपर जो है ये मोनीय कर्म अपने जो है गूगल का अटैचमेंट लगा देता है साहब। अब जब गूगल का अटैचमेंट लग गया, ये इंद्रियां है, अब गूगल का अटैचमेंट किसका है, ये राम द्वेष का है साहब। अब राम द्वेष का अटैचमेंट लगा दिया तो गूगल से या दूसरे चश्मे के ऊपर जो अटैचमेंट लगाया दिखाई क्या देगा आपको, जो आपकी इच्छा है वही तो देखोगे आप। आप देख लीजिए घर में मेहमान आए और आपने टेबल सोफा के सामने बैठते समय टेबल के ऊपर मैगजीन्स भी रखी है, फोटोग्राफ्स भी रखे हैं, धार्मिक बुक भी रखी है और कुछ ऐसे फिल्मी मैगजीन आदि रखें। आप एक बार जो है दूर खड़े रहना और मेहमानों को देखते रहिए, 2 मिनट 5 मिनट देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि मेहमान क्या उठा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं साहब। तो 90% लोग तो जो है फिल्मी मैगजीन लेकर देखेंगे, एक धार्मिक पुस्तक पड़ी है लेकिन उसको कोई टच भी नहीं कर रहा है साहब। एक जैन भाई डॉक्टर थे तो वो डेंटिस्ट थे, तो हमको ले गए महाराज साहब पधारिए। तो हम गए उनके वहां पर, तो जो वहाँ वेटिंग रूम होता है तो वेटिंग रूम में वहाँ सब चारों तरफ सोफा है, लोग बैठते हैं और बीच में एक टेबल के ऊपर बुक्स वगैरह पड़ी है साहब, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है। उसने 2-3 धार्मिक पुस्तक भी रख दी साहब। मेरे को भी बोला महाराज साहब आपकी धार्मिक बुक दे दो ना साहब, अच्छी फिलोसॉफी की स्टडी की नॉलेजेबल बुक दे दो। मैंने दी उनको, उन्होंने अपने टेबल पर रखी। बोले मैं तो डेंटिस्ट डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ तो हर घंटे 10-20 लोग आते हैं, हर घंटे लोग आते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अब वो निरीक्षण करते रहे और बाद में लाकर मेरे को बेंगलोर में वीडियो दिखाया उन्होंने, महाराज साहब आपके पुस्तक को कोई टच भी नहीं कर रहा है, आप वापस ले जाओ ना प्लीज। मैंने कहा दे दो भाई साहब, मुझे ये मालूम ही था, लेकिन आपने आग्रह करके मांगी और रखी तो मैं तो जानता ही था, समझे कि नहीं। अब वहां जो है मेरे 2-4 मैगजीन और बढ़ाता हूँ, फिल्मी मैगजीन है। तो मेरे यहाँ तो लोग आए तो मेरी एक पेशेंट की ट्रीटमेंट चलने में 10-20 मिनट लग जाती है, वहां तक ग्राहक चला तो ना जाए। कस्टमर जो आया है तो वो कम से कम वो फिल्मी मैगजीन देखते देखते पढ़ता रहेगा, बैठा रहेगा, तब तक मेरे एक पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाएगी। वो जाते समय जाएगा तब मैं उनको बुला लूंगा सर। तो हर व्यक्ति हर जगह पर यही तो कर रहे हैं, यही लगा रहे हैं और कर रहे हैं, आप देख रहे हो, समझे कि नहीं। तो ये जो चक्कर है ये इंद्रियों का दोष नहीं है, ये आपके राग द्वेष का दोष है। इंद्रियों का क्या काम है भाई साहब, इंद्रियां तो जड़ साधन है, मन भी तो जड़ साधन है, लेकिन मोहनीय कर्म जो है उसका उदय भारी है। तो वो जब उदय में आता है, सामने आ जाता है, तो वो तो एक ही बात करता है, इंद्रियों का उपयोग उसी को करना है। तो हर इंद्रियों का उपयोग वो राग द्वेष के लिए कर रहा है, तो राग द्वेष भी इकट्ठे मिल गए, इधर से इंद्रियां इधर से राग द्वेष। अब उसका तो आश्रव और बढ़ जाएगा। अब ये आश्रव बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा साहब। तो ये आश्रव जिस तरह से चलेगा, अब कार्बन वर्गणा के भूतल परमाणु को तो खींचने लाएगा। अब ये खींचते खींचते आकर के यहाँ बनेगा। अब ये यहाँ से सुनते हुए आया है तो वहां आकर के इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ मान लो इधर बाजू के कमरे में जिन वाणी चल रही है और इधर जो है फिल्मी म्यूजिक चल रहा है। अब बताइए कांति भाई कितने लोग किस दिशा में कहाँ जाएंगे, जिन वाणी सुनने के लिए कितने आएंगे और फिल्मी म्यूजिक के अंदर कितने आएंगे। हम पुणे में गए तो वहाँ एक सोसाइटी है, आदिनाथ सोसाइटी, तो इधर बाजू में एक उपाश्रय है और थोड़े से 50 फुट के अंतर पर जो है वो क्या बोलते हैं एक हॉल है, जो वहाँ लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, आते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, एंटरटेनमेंट उनका प्रोग्राम, वो क्या बोलते हैं शादी ब्याह की जो है। और फिर जो है लोग किराए पर लेते हैं, वो डांस शादी करते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको आश्चर्य लगेगा साहब, उपाश्रय में जिन वाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आने वाले 10-20% नहीं, बड़े मुश्किल से बुलाना पड़ता है लोगों को। 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं और उधर जो है शो चलता हो, डांस चलता हो, दिन रात लोग जाकर नाचते हैं। वो क्या गाना बजता रहता है, लोग नाचते रहते हैं, क्या गाना बजता रहता है, लोग नाचते रहते हैं। कोई समझ में ही नहीं आता ऐसा ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जरूर है कि उनके पीछे अब उनके राग द्वेष के काम मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म कितने काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहा है। अब जो है इस परिस्थिति के अंदर जब हम आ जाएंगे तो ये होना ही होना है। अब आश्रव तो होना ही होना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर यही चलता रहा तो कैसे करेंगे। तो आश्रव शुभ भी है अशुभ भी है। इंद्रियां अच्छी नहीं है, इंद्रियां खराब नहीं है। आप किसी की इंद्रिय को अच्छा मत बोलिए, किसी की इंद्रिय को खराब मत बोलिए। साहब यूज करना, हाउ टू यूज दैट। मैं पूछूं कांति भी आपकी कार अच्छी है कि खराब है, क्या बोलेंगे आप कार को, क्या बोलेंगे। तो आप जब कार में बैठ करके जहां जाना है, अब आप कार में बैठ करके एक जो है सिनेमा थिएटर में गए और दूसरे दिन आप उसी कार में बैठ करके एक मंदिर में गए, सब प्रवचन सुनने के लिए गए। अब कार का क्या दोष है, कार का तो कोई दोष नहीं है। वैसे ही यहाँ पर इंद्रियों का क्या दोष है। ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जस्ट लाइक योर कार्स। अब वो क्या करेंगे साहब, उनका तो कोई दोष नहीं है। अगर आप राग द्वेष ला करके इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो तो अशुभ कर्म का बंध होगा। और ज्ञान का विवेक लाकर इन्हीं इंद्रियों से जिन वाणी श्रवण करने आदि के विषय में आपने लगाया तो आपको शुभ आश्रय भी अच्छा होगा। आज सब समय तो जल्दी फास्ट चला जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। अभी समय प्रश्नोत्तरी का समय बचेगा तो नहीं। कृपा कराई आज के स्वाध्याय की कितने आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे। अगली क्लास हमारी है सम्यक दर्शन की, तो महाराष्ट्र के मंगल पाठ के बाद कृपा करके वहां ज्वाइन करें और मथेन वंदामी कृपा करके मंगल पाठ करें। नमो सिद्धारणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं एष पंच नमोकारो सर्वपावकपणार्षणो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भजामि अरिहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयते शासनं धर्मलाभं